आओ जी आओ, फिर से स्वागत है आपका आपके आपके चैनल एस्ट्रो बॉय पर। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ YouTube के एक नए फीचर जिसका नाम है कस्टमाइजेशन। उसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। तो जी सबसे पहले तो आप मेरा होम पेज देख लो, होम पेज बिल्कुल चकाचक खाली पड़ा है। तो इस पर मैं वीडियो कैसे ऐड करूंगा वो मैं कर सकता हूँ कस्टमाइजेशन टैब की हेल्प से। कैसे यूज़ करना है ये बताता हूँ। देखिए होम पेज बिल्कुल खाली है, तो अब इस पर कैसे मैं अपनी वीडियोज ऐड करता हूँ ये बताता हूँ। ये मैनेज वीडियोज करके ये जो टैब है आपको राइट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करता हूँ। तो आप जब इसको स्क्रॉल डाउन करोगे आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं डैशबोर्ड वीडियो प्लेलिस्ट, ऐसे अब नीचे करते जाओगे उसे, जब स्क्रॉल डाउन करोगे मैं दिखा देता हूँ आपको, तो यहाँ पर आपको मोनेटाइजेशन टैब के नीचे आपको कस्टमाइजेशन टैब मिल जाएगा। ये अभी ऐड किया गया है, नया फीचर है, बिल्कुल नया फीचर और काफ़ी यूज़फुल भी। तो इसमें आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है, लेआउट मिल जाता है, ब्रांडिंग मिल जाता है और बेसिक इन्फो। सभी टैब्स को यूज़ करेंगे, चेक करेंगे, लेकिन सबसे पहले लेआउट टैब पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम उस वीडियो को ऐड करेंगे जो हम दिखाना चाहते हैं उन लोगों को जो कि हमारे चैनल पर सबसे पहली बार आएंगे, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा चली हो, जिस पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ हो उसको ऐड करो। और नीचे जो है वो मैं यहाँ पर ऐड करूँगा उन लोगों के लिए जो कि मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो उनको अगर कोई मैं इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाना चाहता हूँ, अगर कोई नई वीडियो मैं अपडेट करता हूँ तो वो मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ, ठीक है। देखिए होम पेज जो है आपका वो बहुत बढ़िया होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। जो कोई नया बंदा है, अगर नया कोई यूज़र आ रहा है तो उसे लगना चाहिए कि हाँ बढ़िया चैनल है, बढ़िया वीडियोस हैं यहाँ पे, ताकि वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करे और बार बार आपके चैनल को विज़िट करे, ठीक है। और साथ ही साथ नए यूज़र्स के लिए भी आपके होम पेज को बढ़िया होना चाहिए। तो काफ़ी अच्छा फीचर दिया है नया, ये जो आया है कस्टमाइजेशन का, यहाँ पर आप वीडियोज़ ऐड कर सकते हो। और नीचे ये जो फीचर्स वीडियो है यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं सेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। तो पॉपुलर अपलोड जो सबसे ज़्यादा चली हैं वीडियो मेरी उनको ऐड कर दिया है मैंने, और नई जो वीडियोस अपलोड करी हैं एक एक करके वो मैंने ऐड कर दिया, और साथ ही में प्लेलिस्ट भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है वो मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ऐप्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, तो सारी ऐप्स जितनी भी हैं वो मैंने यहाँ प्लेलिस्ट बना के ऐड कर दी है। तो मेरे होम पेज पर अब ये सारे के सारे वीडियोस दिखाई देने वाले हैं, ठीक है। तो ये टैबुलर फॉर्म में आपको दिखाई देगा, अरेंज दिखाई देगा तो बढ़िया लगेगा। ब्रांडिंग में आप लोगो चेंज कर सकते हो, ठीक है, हटा सकते हो, डिलीट कर सकते हो, बैनर ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, ठीक है। आपके होम पेज पर दिखाई देता है बैनर, ठीक है। और वीडियो में अगर आप वाटरमार्क लगाना चाहते हो ताकि आपकी वीडियो कोई कंटेंट को कोई चोरी ना करे, तो उसके लिए आप वाटरमार्क भी ऐड कर सकते हो, थ्रू आउट वीडियो रहेगा, ठीक है। तो ये है ब्रांडिंग पेज की बात, काफ़ी अच्छा फीचर है ये भी, बहुत बढ़िया है, अभी लॉन्च किया है YouTube ने कस्टमाइजेशन टैब, तो ज़रूर यूज़ करें इसे। और बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो, यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। पहले बड़ा कन्फ्यूज़न रहता था ये सब इन्फॉर्मेशन कहाँ से ऐड करें, लेकिन अब बहुत ही सॉर्टेड कर दिया है इन्होंने, ठीक है। तो लिंक में मैं यहाँ पर Instagram पेज जो है मेरा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ, तो ये मेरे होम पेज पर दिखाई देगा, ठीक है। उस पर क्लिक करोगे तो मेरे Instagram चैनल पर चले जाओगे, चेक कर लेना यार, वहाँ पर भी मैं काफ़ी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर भी ज़रूर जाना जो कि एस्ट्रो बॉय नाम से ही है, और आप लिंक पर क्लिक करके भी जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फेसबुक का भी ऐड कर सकते हो, काफ़ी सारे लिंक्स ऐड कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए सेकंड मैंने किया था, मैं डिलीट कर दिया मेरा, अभी फेसबुक पेज में ऐड नहीं कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम ही आपकी जैसा आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इंफॉर्मेशन डाल सकता हूँ और साथ ही साथ यहाँ पर मैं लिंक भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं अपने अबाउट के बारे में, आपका जो चैनल जिस बारे में है उसमें आपने किसी और लैंग्वेज में लिखा है लेकिन उसको कन्वर्ट करके किसी और लैंग्वेज में करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है लैंग्वेज और यहाँ पर आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो जब आप सब कर लें, उसको पब्लिश कर दें, तो आपका जो होम पेज है वो सेट हो जाएगा जैसा आपने अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज़ किया है, ठीक है। तो अब एक बार होम पेज पर जाकर हम देख लेते हैं कि होम पेज कैसा दिख रहा है। अब ये मैंने रिफ़्रेश किया, देखिए खाली था और ये गिली गिली छो, देखिए सब आ गए। देखिए जो मैंने ऐड किया था, पॉपुलर अपलोड्स मैंने ऐड करे थे, नई वीडियोस अपलोड जो करी वो है, और जो ये प्लेलिस्ट ऐड करी थी वो भी आ गई है, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं दिखाना चाहता था वो यहाँ पर मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिखाई जा रही है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि अपने आप आ गया है सारा कंटेंट उठ के, जो मुझे चाहिए था वो मैंने यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पॉपुलर वीडियोस दिखाई हैं जिसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं, और ये जो बैनर है एस्ट्रो बॉय पेश करते हैं ये भी आप चेंज कर सकते हैं,
कस्टमाइजेशन टैब से, और वो जो मैंने लिंक डाला था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इंस्टाग्राम पेज का मेरा लिंक है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो सीधा रिडायरेक्ट करेगा ये मेरे इंस्टाग्राम पेज पर। ठीक है, वो भी आपको करके दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं तो कहना चाहूँगा कि बहुत ही बढ़िया फीचर ऐड किया है ये यूट्यूब ने। पहले बड़ा कन्फ्यूज़न रहता था कहाँ से ये सब चीज़ें ऐड करनी है, रिटर्निंग यूज़र्स के लिए वीडियो कहाँ से लानी है, नए सब्सक्राइबर के लिए कहाँ से लानी है, क्योंकि नए यूज़र होंगे पहली बार विजिट करेंगे हमारे चैनल पर, उनको क्या दिखाना है, कैसे करना है, वो सब बड़ा कन्फ्यूज़न रहता था, अब बहुत सॉर्टेड है। ठीक है, तो ये मेरा इंस्टाग्राम पेज जो लिंक बन चुका है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए गोली की स्पीड से सीधा मेरे इंस्टाग्राम पेज पर आप पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो में ज़रा सा भी स्वाद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये जो घंटी का बटन है इसको भी दबा देना। ठीक है, ऑल पे रखना यार। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, और हाँ, हाथ उठा के जय हिंद।